दोस्तों, दुनिया की राजनीति में इस समय एक बड़ा बदलाव हो रहा है और उसके केंद्र में है एक ऐसा संगठन जिसने अपनी शुरुआत से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति को हिलाकर रख दिया है। आज हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की, जो कि दुनिया की पांच बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने ब्रिक्स को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। हम सभी जानते हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है और इस बार यह सम्मेलन रूस के कजान में हो रहा है। 22 से 24 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पुतिन ने कहा है कि ब्रिक्स का विस्तार किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि संगठन की दक्षता यानी उसकी कार्यक्षमता को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने दिया जाएगा। यह बयान खास इसलिए है क्योंकि इसमें पुतिन ने स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है कि ब्रिक्स में और देशों को शामिल किया जाए। अब सवाल यह उठता है कि ये कौन से देश हो सकते हैं और क्या ब्रिक्स का विस्तार इसके मौजूदा सदस्यों पर कोई असर डालेगा? पुतिन के बयान का मतलब क्या है? जब पुतिन कहते हैं कि ब्रिक्स का विस्तार होगा, तो इसका मतलब यह है कि ब्रिक्स सिर्फ पांच देशों का समूह नहीं रहेगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रिक्स में अब दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन पुतिन के इस बयान से यह साफ हो जाता है कि अब और भी देश ब्रिक्स का हिस्सा बन सकते हैं। आपको बता दें कि ब्रिक्स की स्थापना आज से करीब 15 साल पहले हुई थी, जब दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक प्लेटफार्म की जरूरत थी। आज ये संगठन न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। पुतिन का यह बयान खास इसलिए भी है क्योंकि यूरोप और अमेरिका के लिए ये काफी असहज करने वाला है। पुतिन का यह कहना कि ब्रिक्स का विस्तार होगा लेकिन उसकी दक्षता बनी रहेगी, यह संकेत देता है कि रूस अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ब्रिक्स को एक और बड़ा प्लेटफार्म बनाना चाहता है जो अमेरिका और यूरोप के प्रभाव को चुनौती दे सके। अब सवाल यह उठता है कि क्या ब्रिक्स इस विस्तार के बाद और भी मजबूत होगा या फिर इसकी कार्यक्षमता पर असर पड़ेगा? क्या भारत और चीन एक ही पेज पर हैं? दोस्तों, ब्रिक्स के इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद हैं। पुतिन के इस बयान ने केवल बाकी देशों को ही नहीं बल्कि भारत और चीन जैसे दो बड़े देशों को भी एक चुनौती के रूप में खड़ा कर दिया है। आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच पहले से ही कुछ तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं, लेकिन ब्रिक्स का यह नया विस्तार दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया अध्याय लिख सकता है। ब्रिक्स का विस्तार, फायदे और चुनौतियां। अगर हम ब्रिक्स के विस्तार की बात करें तो इसमें फायदे भी हैं और चुनौतियां भी। फायदे की बात करें तो ब्रिक्स में नए देशों के शामिल होने से यह संगठन और भी मजबूत हो सकता है। इससे न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक सहयोग भी बढ़ेगा। उभरती अर्थव्यवस्थाओं को ब्रिक्स के माध्यम से एक नया प्लेटफार्म मिलेगा जहां वे अपने मुद्दों को उठा सकते हैं और अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन चुनौती यह है कि नए सदस्यों के शामिल होने से क्या संगठन की दक्षता प्रभावित होगी? क्या ब्रिक्स का मूल उद्देश्य वही रहेगा जो इसे 15 साल पहले बनाया गया था? पुतिन का बयान इसी ओर इशारा करता है कि अगर विस्तार होता है तो उसे इस तरीके से किया जाएगा कि संगठन की दक्षता पर कोई असर न पड़े। ब्रिक्स के नए सदस्य कौन हो सकते हैं? दोस्तों, अगर ब्रिक्स का विस्तार होता है तो कौन से देश इसमें शामिल हो सकते हैं? हाल ही में इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को संगठन में शामिल किया गया है। इसके अलावा अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और नाइजीरिया जैसे देशों का भी नाम ब्रिक्स में शामिल होने की चर्चा में है। ब्रिक्स का भविष्य, क्या बदलाव आ सकते हैं? ब्रिक्स का विस्तार न केवल इसका स्वरूप बदलेगा बल्कि इसके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को भी बढ़ाएगा। आज जब दुनिया दो ध्रुवों में बंट रही है, ब्रिक्स का विस्तार इसे एक और ताकतवर ध्रुव बना सकता है। अमेरिका और यूरोप के लिए यह बड़ा चुनौती बन सकता है क्योंकि ब्रिक्स में शामिल देशों की अर्थव्यवस्था और उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ती जा रही है। भारत और ब्रिक्स का रुख। भारत हमेशा से ब्रिक्स का एक प्रमुख सदस्य रहा है और इस संगठन को नई दिशा देने में भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर कहा है कि ब्रिक्स को केवल बड़े देशों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे उन देशों के लिए भी खुला होना चाहिए जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स का विस्तार सही दिशा में है या फिर इससे इसकी दक्षता पर असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।